हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जो व्हाट्सएप का स्टेटस है वो कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना क्योंकि पिछले वीडियो मेरी यही वाली थी और ये स्टेटस बहुत अच्छा रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुभम बैक एट विथ यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो। हाँ तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो व्हाट्सएप के जो स्टेटस रहते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो पोस्ट की थी स्टेटस वाली, उसको आप कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बनाना कंप्यूटर में भी आसान है, लेकिन मैं जो एंड्रॉयड में बता रहा हूँ क्योंकि मेरे ज़्यादा भाइयों के पास जो अवेलेबल रहता है वो रहता है एंड्रॉयड। और जो ज़्यादातर वीडियो मैं अब एंड्रॉयड में बताने की कोशिश करूँगा, कंप्यूटर में भी बताऊँगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो चाहिए कि आपको मोबाइल में कंप्यूटर का कुछ भी चीज़ कैसे चाहिए, तो मेरे को एक छोटा सा कमेंट कर देना यार नीचे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो आपके लिए हाजिर होगा। जो कंप्यूटर का पूरा साइट वगैरह है उसको मैं कैसे चलाती हूँ बता दूंगा। फ्रेंड्स, आप तो कमेंट ही नहीं करते, तो फ्रेंड्स टॉपिक से नहीं हटते। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले चाहिए क्या रहेगा, दो चीज़ चाहिए जिस, और फिर देखिए फ्रेंड्स, आपको कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले टाइप करना है बैकग्राउंड, तो आपके पास जो भी है वो आप कर सकते हैं। मैं हार्ट हार्ट शेप बैकग्राउंड, तो फ्रेंड देखिए मैं हार्ट शेप का जो बैकग्राउंड है वो मैं डाउनलोड कर लिया हूँ। ये इसमें से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर डाउनलोड करने के बाद फिर आपका एक काम हो ही गया है समझो। और फिर फ्रेंड्स, आपको सेकंड सेकंड जो सर्च करना है वो है, जो जैसे आप कोई गाना का बना रहे हो, जैसे कि है मैं अभी ले रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैं बना रहा हूँ जो गोल्डन नजर है उसका आपको लिरिक्स निकाल लेना है। लिरिक्स मतलब आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स, जो मतलब कि उसका जो भी शब्द यूज हुआ रहता है, जो भी उसका सॉन्ग रहता है, वो पूरा आपके पास आ जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं इतना लेना है जो 30 सेकेंड ना जाए, तो मैं इतनी से लेके नहीं तक तक ले लिया हूँ। और फिर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है, आपको देखिए फ्रेंड्स थोड़ा एक वर्ड को सेलेक्ट कर लेना है, और आप फिर को आपको कॉपी कर लेना है जाके। फ्रेंड्स फिर आपको जाना है अपनी जो मेमोरी है उसमें, सॉरी जो मतलब मेमो है उसमें, और फिर उसमें कर लेना है आपको, उसको पेस्ट कर देना है। और हर एक एक शब्द के बाद फिर फ्रेंड्स आपको करना क्या है, एक एक इमोजी लगा देना है फ्रेंड्स। और फिर आप रेडी हैं ये दो चीज़ के बाद। फिर फ्रेंड्स, आपको अपना काइंड मास्टर ऐप खोल लेना है। तो फ्रेंड्स, आप काइंड मास्टर जानते ही होंगे फ्रेंड्स, एंड्रॉयड का एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही अच्छा एडिटिंग होता है, जिससे फ्रेंड्स आप इसको जानते ही होंगे। तो फ्रेंड्स हमने काइंड मास्टर में ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको शुरू से बताता हूँ, मैंने एक अनटाइटल्ड फाइल है वो ओपन कर लिया है, बट आपको इससे ठीक से समझ नहीं आएगा तो आपको एम्प्टी प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है फ्रेंड्स। और फिर आपको करना है मीडिया ब्राउजिंग। तो हाँ फ्रेंड्स, तो आपको अपना जो इमेज है वो सबको इंपोर्ट कर लेना है एक एक करके। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर लास्ट में छोटा सा दिखा रहा होगा 23.9 सेकेंड, तो एक इमेज और इंपोर्ट कर लेते। तो देखिए, ये हो गया 4 इमेज में, ये हो जाएगा कंप्लीट फ्रेंड्स। और अब आपको क्या करना है, ऑडियो डालना है। तो फ्रेंड्स, मेरे को जो ऑडियो अच्छा लग रहा है मैं वो डाल दे रहा हूँ। तो मैं हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने जो सॉन्ग है वो इंपोर्ट कर लिया है, जो कि है बोल दो ना ज़रा फ्रेंड्स। तो इस सॉन्ग को मैंने इतना किया मतलब काट लिया है इसमें, अगर आपको काटना नहीं आता तो देखिए फ्रेंड्स, अपना जो ये टाइमलाइन वाला है इसको करना है, और सॉन्ग को सेलेक्ट करना है, और फिर नीचे जाना है जो कि ट्रिम और स्प्लिट वाले में, और
कोई भी जहां पर से भी अगर आपको इस तरफ को करना है इस तरफ को या इस तरफ को करना है तो इस तरफ को। तो फ्रेंड्स मैं इसको वापस ले आता हूँ। तो फ्रेंड्स यही था ठीक। तो मैंने जो वर्ड वर्ड है वहाँ पास तक मैंने जो इसको काट लिया। तो फ्रेंड्स आपको अब क्या करना है, जो एक एक वर्ड आएगा उसमें आपको लेयर लेना है और टेक्स्ट लेके जो जो एक एक वर्ड है उसको पेस्ट कर देना है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको सुना देता हूँ। और फ्रेंड्स ये 30 सेकंड के अंदर बनाना है आपको, मतलब 30 सेकंड में, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर्पस के लिए डाल रहे होंगे तो फ्रेंड्स आपको कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगा अगर 30 सेकंड से आगे रहेगा। और अगर आपको अपना पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो आप जितना चाहें उतना सेकेंड का मतलब बना सकते हैं, चाहे आप पूरा सॉन्ग बनाएं या जितना भी, लेकिन यूट्यूब और व्हाट्सएप पर्पस के लिए 30 सेकेंड ही लगेगा। फ्रेंड्स मैंने व्हाट्सएप में नहीं बताया, व्हाट्सएप में क्योंकि फ्रेंड्स मतलब कि अगर आप जो मतलब व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं डालेंगे वो जो 30 सेकेंड का रहता है। फ्रेंड्स तो अब आपको एक एक शब्द प्ले करके देखना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर आपको स्टॉप कर लेना है और फिर आपको जो अपना ये दूसरा मेमो है इसमें जाना है और फ्रेंड जितना गाना चल रहा है उसको सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो वापस काइन मास्टर ऐप में आ जाना है। और फ्रेंड्स तो यहाँ पर आ जाना है आपको और फर्स्ट कर लेना है और फिर देखिए फ्रेंड्स इसको बस सिंपली आपको पेस्ट कर देना है, ओके कर देना है और ये जितना है उतना ही रहने देना है। फ्रेंड्स क्यों, क्योंकि अगर आप बड़ा छोटा करेंगे तो फिर आप वापस जो है इसको नहीं कर पाएंगे, मतलब कि वापस फिर दूसरे वाले टेक्स्ट में आप इसको रीसाइज नहीं कर पाएंगे उसके कारण। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स मैं इसका फॉन्ट बस चेंज कर लेता हूँ, जो फॉन्ट मैं रखूँगा वो सेकेंड वाला रखूँगा, आपको जो चाहिए वो रखें। इन एनिमेशन फ्रेंड्स आपका जो मर्जी, मैं अप टू डाउन कर देता हूँ फ्रेंड्स, और आपको जो भी चाहिए वो आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो देखिए मैंने कर लिया और फिर सॉन्ग को एक बार आप प्ले करते हैं। फ्रेंड्स तो आपको यहीं तक रखना है और इसको थोड़ा ट्रिम कर लेना है। सो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, इधर से आपको इस तरफ से ट्रिम कर लेना है और फिर एक बार और ट्रिम करके देख लीजिए सही तो है। फ्रेंड्स तो कोरोना के बाद फिर आपको जो फिर एक बार टेक्स्ट यहाँ पर ये लगा देना है और फिर से आपको मेमोरी जाना है और यहाँ पर से मैं डूब ना जाऊँ कहीं से लेके आपको, मतलब अपने सॉन्ग में जो जो चाहिए वो आप कॉपी करिए और फिर यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसमें फिर इसको कर दीजिए पेस्ट और ओके कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स मैंने कभी बोला था कि आपको मतलब कि इसका साइज नहीं करना है ताकि मतलब कि ये थोड़ा मिक्स हो जाए, मतलब उसमें ऊपर नीचे मत हो। तो फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा ये आगे बढ़ जा रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा जो है आगे कर दूंगा ये वाला को, जो इसका थोड़ा सा। फ्रेंड्स तो आप ये देख ही लिए होंगे जैसे कि, तो देखिए फ्रेंड्स फिर वापस किनारे पे आना, उसको फिर से आपको ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर देख लीजिए आपको कर देना है यहाँ पर जो पेस्ट और ओके करना है और फिर इसका मैं टेक्स्ट फिर चेंज कर लेता हूँ। फ्रेंड्स आप जो चाहें वो ऐसा कर सकते हैं,
और यहाँ पर फिर अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इसका टेक्स्ट मैं फिर चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद फिर राइट को क्लिक करना है, इसका एनिमेशन आपको सेट कर लेना है जो कि मैं अभी स्केल डाउन रख रहा हूँ, आप जो चाहें वो रख सकते हैं। फिर आपको फिर एक बार प्ले करके देखना है ताकि बिगड़े बिगड़े मत। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एक्स्ट्रा का डाला था, तो यहाँ पर से मैं इसको सिंपली ट्रिम कर दूंगा और फिर एक नया जो टेक्स्ट लेयर है वो बना दूंगा और फिर आपको यही प्रोसेस जो है वापस जो है करना है। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है, आपका एकदम मतलब फास्ट फास्ट बन जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये है और फिर इसका सेलेक्ट करना है और फिर से एनिमेशन सेलेक्ट करना है जो कि है, और फिर आपको एक बार और प्ले करके देखना है। देखा जब से और फ्रेंड्स अब लास्ट आ गया है जो कि है लास्ट सब जो आपको करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये ज़्यादा लाइन का नहीं होता, 4-5 लाइन का बस होता है। और फिर आपका जो स्टेटस है वो तैयार पेस्ट कर देना है यहाँ पर। और फिर लास्ट में फ्रेंड्स मैंने विकी शुभम का डाल दिया ताकि सबको पता चले कि ये मैंने बनाया है। लास्ट में अगर आपको डालना है तो आप मैंने जो सिखाया है वैसे ही टिप भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसको लास्ट में ले आना है और इसको कट कर देना है और फिर राइट को क्लिक करना है और ये हमारे स्टेटस दिया। फ्रेंड्स आपको यहाँ खाली दिख रहा होगा, ये थोड़ा नीचे चला गया फ्रेंड्स, खाली नहीं है ये। और फिर आपको लास्ट टाइम इसको प्ले करके देखना है कि सब परफेक्ट है कि नहीं है। फ्रेंड्स तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो कि है ये वापस किनारे पे आना, ये मैंने गलत कर दिया था, जो इसका सेटिंग्स है उसको मैं भूल गया था फ्रेंड्स। तभी मैंने बोला था कि आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। और फिर अब हमारा स्टेटस जो है वो रेडी है, अब आपको कुछ नहीं करना यहाँ पर। अब आपको सिंपली जो भी कुछ और अगर करना चाहते हैं, इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं, कुछ भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, बट अब हमारा ये रेडी है। अब फिर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेना है और जो अब आपका ये रेडी है। और फिर अब आपको करना क्या है, शेयर में क्लिक करना है और सेव टू की गैलरी करना है और फिर आपको कोई भी अपना साइज सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स मैं ज़्यादा जल्दी करने के लिए ये वाला सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। और फिर देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक्सपोर्टिंग जो है प्रोजेक्ट का हो जा रहा है और इसमें टाइम दिखा रहा है। और फिर हमारा जो मतलब कि स्टेटस है वो रेडी है और अब आप इसको यूट्यूब में डाल सकते हैं, किसी में भी डाल के अपना स्टेटस का बना सकते हैं। अगर आप इसमें प्रोफेशनल हो गए तो अच्छी बात है, और अगर आपको अच्छा सा आ गया तो आप अपने व्हाट्सएप में डाल सकते हैं, यूट्यूब में डाल सकते हैं, जिसमें डालना है उसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हाँ, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो कि है कि मतलब अगर आपको मतलब कि ऐसा मतलब लगता है कि जो इमोजी है वो परफेक्ट नहीं है, तो आपको करना क्या है, अगर कोई और इमोजी डालना है तो अपने ब्राउज़र में जा के भी आप कर सकते हैं। मतलब कि आपको जैसे कि करना है हाइक का इमोजी, हाइक इमोजी सर्च कर सकते हैं। और हाँ, तो फ्रेंड देखिए जो इमोजीज हैं वो आ जाएंगे, अगर आ गए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये हो जाएंगे
और फिर आप इसको डाउनलोड करके उसको भी लगा सकते हैं अगर आपको मतलब जो अपना जो ये इमोजी है वो पसंद नहीं आता तो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना कुछ और नए वीडियो के लिए। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए।